चालू सप्ताह में शिकागो के मक्की वायदा में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कारोबारियों का कहना है कि अमेरिका में कटाई तेजी से होने और पहले से ही हो रही प्रचुर सप्लाई के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई और बढ़ने के अनुमानों की वजह से मक्की वायदा में गिरावट देखने को मिली है। जानकारों की माने तो मक्की के संभावित उत्पादन अनुमान में वृद्धि का बाजार के मूड पर असर हुआ है। चूंकि उत्तरी ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई तेजी से हो रही है, इसलिए अमेरिकी मक्की की सीजनल कीमत नीचे दिखाई दे रही है। अमेरिकी कृषि विभाग ने चालू सप्ताह में कहा था कि देश में मक्का का 29% कटाई हो चुकी है, जो कि 5 वर्षों की औसतन 22% से ऊपर है और यह बाजार की उम्मीद के अनुसार है। वहीं बाजार जानकारों का अनुमान है कि अमेरिकी सीजन 2021 में मक्की का 15.085 अरब बुशल उत्पादन हो सकता है, जो कि अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा व्यक्त किए गए 14.996 अरब बुशल उत्पादन के पूर्वानुमान की तुलना में ऊपर है। अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा है कि 47% शारदीय गेहूं की बुआई भी हो चुकी है, जो कि 5 वर्षों की औसत की अपेक्षा 1% अधिक है। वहीं यूरोपीय आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन की 3 अक्टूबर तक की अवधि में सीजन 2021-22 में यूरोप से सॉफ्ट गेहूं का 80,70,000 टन निर्यात हो चुका है। सीजन 2020-21 के सब में इसका 55,60,000 टन निर्यात हुआ था। वहीं मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने भी अपना अनाज निर्यात घटाया है। रूस के कृषि मंत्रालय के अनुसार इसने अपने पूर्वानुमान को घटाकर 4.50 से 4.80 करोड़ टन कर दिया है। इससे पहले मंत्रालय ने अनाजों का 5.10 करोड़ टन निर्यात होने का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे अब घटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।